लाइट ऑफ लाइफ जिंदगी की रोशनी से गाइड। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a wonderful thing it is to come to have fellowship with you all today. ये सच में कितनी अद्भुत बात है कि आज हम यहाँ पर आप सभी के साथ में संगति कर पा रहे हैं। You know, Jesus has said. जानते हैं यीशु ने कहा है that when we are gathered in his name, कि जब हम यीशु के नाम में एक साथ जमा होते हैं, he is right there in the midst of us. तो वहाँ पर वो हमारे मध्य में होता है. And today we are gathered in his name. और आज हम उसके नाम में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. It may be that you are far away. और हो सकता है कि शायद आप बहुत दूर हो. But as we gather together in the name of Jesus, लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक साथ जमा होते हैं, he is here with us. तो वो हमारे साथ यहाँ पर होता है. And he is going to teach us. और वो हमें सिखाता है. He is going to teach us from his word. और वो हमें अपने वचन से सिखाता है. In the last few weeks, we have been talking about how a child of God can be happy. पिछले कुछ हफ्तों से हम इस बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की जो संतान है वो खुश हो सकती है. The principles of how to live by. और किस तरह से हम अपने जीवन जिए, इसके कौन से सिद्धांत हैं. And we have looked at many of these principles. और इनमें से बहुत से सिद्धांतों को हमने देखा है. We started out by looking at how important it was for us to have an intimate relationship with God. और हमने इस बात को भी देखा है कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के साथ में बहुत ही नजदीकी का संबंध रखें. You know, that is God's only commandment. आप जानते हैं यही तो परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा है. That we should love him with all of our hearts. कि हम उससे अपने पूरे दिल से प्रेम रखें. And we should love our neighbor as we love ourselves. और जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, वैसे हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखें. The next thing that we saw. और दूसरी बात जो हमने देखी. Was how being obedient to God. कि परमेश्वर के आज्ञाकारी होने से. Is one of the chief principles for us to have a happy life. परमेश्वर का आज्ञाकारी होना हमारे जीवन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण ऐसा सिद्धांत है. And we saw several principles after that. और उसके बाद में हमने बहुत से सिद्धांत देखे हैं. We looked at how standing upon God's word is a security in the midst of a storm. और हमने ये भी देखा है कि कैसे तूफान के बीच में परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना ये हमारे लिए सुरक्षा की बात होती है. Now today we are going to look at. और आज हम देखेंगे something very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात को. The dark moments in our life. और वो है हमारे जीवन के अंधियारे का समय. You know, we can handle the moments when we are very happy. जब हम बहुत ही खुश होते हैं, हम उस पल को निश्चय संभाल सकते हैं, उससे निपट सकते हैं. But how do we handle the moments which are terrible in our life? लेकिन जो ऐसे पल जो कि हमारे जीवन में बहुत ही भयानक है, उससे हम कैसे निपट सकते हैं? The dark moments. जो कि हमारे जीवन के अंधियारे वाले पल हैं. Now all of us can remember this. हम सब इस बात को याद रख सकते हैं. When we gave our life to Jesus. कि जब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया. We remember the joy that filled our hearts. तो हमने उस आनंद को याद किया जिसने हमारे दिल को भर दिया. It just overflowed from us. और ये तो बस हम में से ऐसे उमड़ता चला गया. Now do you not remember this? अब क्या आपको ये याद नहीं? But there is nothing better in this world. लेकिन इस संसार में इससे बेहतर और कुछ नहीं. Than being restored with the Father. कि हम पिता के साथ में फिर मेल मिलाप कर लें. But you know, we also know. लेकिन हम ये भी जानते हैं. That Jesus has told us. कि यीशु ने हमें ये बताया है. That we are not going to have a bed of roses. कि हमारा जीवन जो है वो तो बिल्कुल गुलाब के बिस्तर के जैसे नहीं होगा. Things are going to go wrong. हमारे जीवन में कुछ न कुछ गलत तो होगा ही. Because we are living in this world. क्योंकि हम इस संसार में जी रहे हैं. Now in fact Jesus tells us. और सच में यीशु हमें ये बताता है. In the book of John chapter 16 and verse 33. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33
21 में he starts out by saying, और वो इस तरह से कहते हुए शुरू करता है these things I have spoken to you, और ये बातें मैंने तुमसे कही हैं that you might have peace, कि तुम शांति पाओ in the world, इस संसार में ye shall have tribulation, तुम्हें क्लेश तो होगा ही but be of good cheer, लेकिन धाड़स बांधो because I have overcome the world, क्योंकि मैंने संसार पर जय पाई है God has overcome the world. परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है He tells us वो हमसे कहता है that you will have tribulation. कि तुम्हें क्लेश तो होगा ही You cannot escape the trials. तुम उन क्लेशों से परीक्षाओं से बच नहीं सकते हो There is no immunity against that. और उसके विरुद्ध में कोई ऐसी बात नहीं कि हम उसके लिए बिल्कुल बेअसर हो जाएं. Because you're a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं. It does not mean that you will not face trials. इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएगी There are many brothers and sisters who call me. और बहुत से ऐसे भाई और बहनें जो मुझे फोन करते हैं And they tell me. और वो मुझसे कहते हैं that they are going to church regularly. कि वो नियमित रूप में चर्च में जा रहे हैं They have given their heart to Jesus. उन्होंने अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दिया है But there are many trials that they are facing. लेकिन ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनका वो सामना कर रहे Things हैं are not getting better. उनके जीवन में सब कुछ बेहतर नहीं हो रहा है I know that this is very discouraging. मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही निराश करने वाला है But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों that when you trust Jesus with your life, जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं He will see you through. तो वो आपको इन सारी बातों में से पार ले जाएगा In fact, we look at Psalm 23, और सच में हमने भजन संहिता 23 में देखा where है David says, जहां पर दाऊद कहता Do है I walk through the shadow of death? चाहे मैं मृत्यु की परछाई के उस तराई में से होकर चलूं, I will not fear any evil, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा because you are with me. क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है You know, though David was a king, और हालांकि दाऊद तो एक राजा था he went through many trials. वो तो बहुत सी परीक्षाओं में से होकर गया he had a very difficult life. और उसका जीवन तो बहुत ही मुश्किल था And he refers to those difficult situations as the shadow of death. और वो तो इन सारी मुश्किल परिस्थितियों के बारे में कहता है कि ये तो मानो मृत्यु की छाया थी he went through dark moments. और वो तो अंधियारे के समय में से होकर गया with all kinds of affliction. और हर तरह के क्लेशों में से वो होकर गया But his comfort was in the Lord. लेकिन उसकी जो तसल्ली थी वो तो प्रभु में थी I want you all to look at 1 Samuel. मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग देखिए पहला शमूएल Chapter 30, अध्याय 30, verses 1 to 6. वचन 1 से 6 तक Now this passage tells us. अब वचन का ये भाग हमें बताता है How David. कि कैसे दाऊद had actually He was dismissed from the army of the Philistines. और जबकि उसे वहाँ पर पलिश्ती की जो सेना थी उससे अलग कर दिया गया था He could not go to the camp of Saul. और वो तो शाउल के खेमे में भी नहीं जा सकता Because था he was expelled by Saul. क्योंकि शाउल ने भी उसे निकाल दिया था So he was in the middle. यानी वो तो अभी यहाँ पर बीच में फंस गया था And He quietly retired to his own city of Ziklag. और वो तो खुद अपने नगर सिकलक में आ जाता है And at this time there was a battle between the army of the Amalekites and the army of Israel. और इस समय इसराइलियों की सेना और अमालेकियों की सेना के बीच में युद्ध चल रहा था. But when he went to Ziklag, और जब वो सिकलक में गया, he found that the place was devastated. उसने ये देखा कि वो जगह तो पूरी तरह से उजाड़ दी गई है. The Amalekites had destroyed the city. अमालेकियों ने इस पूरे नगर को नाश कर दिया है. And At this time, David was in a deep depression. और इस समय दाऊद बहुत ही गहरी निराशा में चला गया. He was greatly distressed. और वो तो बहुत परेशान हो गया. Because he found that even his wives, Ahinoam and Abigail, they were both taken away. और उसने ये पाया था कि यहाँ पर उसकी जो पत्नी थी अहिनोअम और उसकी दूसरी पत्नी अबिगेल जो थी इन दोनों को वो बंदी बनाकर लेकर चले गए Many of David's men, their daughters and their sons had been taken captive. और दाऊद के जो बहुत से लोग थे उनके बेटे और बेटियों को वहाँ पर बंधक बनाकर लेकर चला गया So David and the rest of the people, they lifted their hearts up to the Lord and they cried bitterly. और दाऊद और उसके लोग वहाँ पर अपने दिल को परमेश्वर के सामने उठाकर बहुत ज्यादा रोए When people saw the destruction, और जब लोगों ने उस विनाश को देखा they began to pick up stones to stone David. तो बस वो दाऊद पर पत्थरवाह करने के लिए पत्थर उठा बैठे But you know David.
लेकिन आप जानते हैं दाऊद, what did he do? उसने क्या किया? Did he gather his men and start fighting the people? क्या वो अपने लोगों को जमा करके लोगों के साथ में लड़ने के लिए चला गया? No, he turned to the Lord. नहीं, वो पहले परमेश्वर के पास गया. And he strengthened himself in the Lord. और उसने खुद को परमेश्वर में पहले धाड़स दिया, बल दिया. My dear friends, this is what we should do. मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यही तो करना चाहिए. When we face terrible times, जब हम बड़ी मुश्किल समय का सामना करते हैं, we should just turn to the Lord. तो हमें प्रभु के पास में आना चाहिए. We should cry unto the Lord. हमें प्रभु को पुकारना चाहिए. It is only God who is going to deliver us. क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमें छुटकारा देगा. And we know that God plans, he allows certain things into our lives. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातों को होने देता है. God does not plan your destruction, never. परमेश्वर कभी भी आपके विनाश की योजना नहीं बनाता. But sometimes he allows difficulties in our lives. लेकिन कई बार वो हमारे जीवन में मुश्किलों को आने देता है. Now this is for a purpose. अब ये तो एक उद्देश्य के साथ था. So if you are a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, you are obedient to him, आप उसके प्रति आज्ञाकारी हैं, and you have faced difficult times, और आपने मुश्किल समय का सामना किया है, you come to the Lord and plead with him, तो आप प्रभु के पास में आकर उससे विनती करते हैं, there are chances he will take it away, तो निश्चय ऐसे अवसर है कि वो इसे दूर कर देगा, but there are also chances that he will stand with you in the difficulty, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि इन सारी मुश्किलों के समय में वो स्वयं आपके साथ में खड़े रहेगा. You know, we see different people reacting differently to adversity. आप जानते हैं, अलग-अलग लोग अलग-अलग परिस्थिति को अलग तरीके से प्रत्युत्तर देते हैं. You know, adversity slips into the life of every child of God. और जो परेशानियां या संकट है, कहिए, ये तो परमेश्वर के संतान के जीवन में आती ही हैं. Before we know it, we are in the midst of the darkest moments that we can imagine. और इसके पहले कि हम जाने, हमारी कल्पना से बढ़कर हम एक बहुत ही अंधकार की ऐसी परिस्थिति में घिर जाते हैं. We can choose to turn away from the road we are following to another road. और हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उससे हटकर किसी और मार्ग पर जाने का हम चुनाव कर सकते हैं. By that we will walk away. और इसके द्वारा हम तो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे. Take for instance, उदाहरण के लिए, if a sister is having a difficult marriage, अगर बहन के वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी है, she can in the very beginning, तो वो तो बिल्कुल शुरू से ही डिसाइड, ये निर्णय ले सकती है, she is not going to put up with any nonsense whatsoever, कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसी बेकार की बातों को नहीं सहेगी. आई एम यूजिंग दीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मैं इन मजबूत शब्दों का उपयोग कर रही हूँ यहाँ पर, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द माइंड ऑफ द लेडी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम उस स्त्री की मनोदशा को समझे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. एंड व्हाट डज शी डू, और वो क्या करती है, शी वॉक्स आउट, वो बाहर चली जाती है. But you know, there may be another person, लेकिन हो सकता है कि दूसरा और कोई व्यक्ति हो, another lady, या दूसरी कोई बहन हो, in the same situation, जो इसी परिस्थिति में हो, who will be on her knees, जो कि अपने घुटनों पर आ जाएगी, pleading with God, परमेश्वर से विनती करते रहेगी, to save her marriage, कि उसके वैवाहिक जीवन को वो बचा ले. Why? क्यों? Well, there are many reasons to this aspect of thinking. देखा जाए तो इस सोच के बारे में बहुत से कारण हैं. But one of the most important ones, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, is that God does not want us to divorce our spouse. कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन साथी को तलाक दें. When we have made a covenant relationship with God, जब हमने परमेश्वर के साथ में वाचा का संबंध बनाया है, When we have made a sacrament with God, जब हमने परमेश्वर के सामने अपना समर्पण कर दिया है, In our marriage, हमारे वैवाहिक जीवन में, इट इज नॉट राइट फॉर अस टू सो इजिली ब्रेक इट, तो ये हमारे लिए सही नहीं है कि इतनी आसानी से हम उसे तोड़ दें. सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वी आर कॉल्ड टू मैरी वाइजली, हमें बुद्धिमानी से विवाह करने के लिए कहा गया है, बिकॉज गॉड डज नॉट लाइक डिवोर्स, क्योंकि परमेश्वर को तलाक पसंद नहीं है. सो माय डियर लेडी, और इसलिए प्यारी बहनों, इफ यू आर कॉलिंग आउट टू गॉड, अगर आप परमेश्वर को पुकार रही हैं, टू मेक योर मैरिज वर्क, वैवाहिक जीवन को सही तरीके से काम में लेकर आए, यू आर डूइंग गॉड्स विल, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रही हैं. एंड इवन दो यू मे बी गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, और हो सकता है कि शायद आप मुश्किलों में से जा रही हैं, ही विल रिवॉर्ड यू फॉर इट, वो आपको इसके लिए प्रतिफल देगा. यू विल पास थ्रू दोस डार्क एंड पेनफुल मोमेंट्स, आप उस अंधकार और दर्द से भरी हुई समस्या में से समय में से चले जाएंगे, बट गॉड्स प्रेजेंस विल बी विद यू, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में होगी, एंड इन द एंड यू विल गेट योर रिवॉर्ड, और अंत में आपको आपका प्रतिफल मिल जाएगा. बट वाइल यू आर इन द सिचुएशन, लेकिन जबकि आप इस परिस्थिति में हैं,
People will not understand you. लोग शायद आपको न समझे. Your friends at church may look at you differently. चर्च में आपके जो मित्र हैं वो आपकी ओर बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे. As you come to church on Sunday morning. जैसे कि आप रविवार की सुबह चर्च में आते हैं. Wearing a very tired and worried look. आप बिल्कुल थकान से भरे हुए, परेशानी से भरे हुए ऐसे चेहरे को लेकर आते हैं. And maybe during the sermon. और शायद हो सकता है कि संदेश के दौरान. You have tears running down your cheek. आपके आंखों से आंसू बहते जा रहे हो. You can't control your tears. और आप अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते. No one knows what you're going through. और कोई ये नहीं जानता कि आप किसमें से होकर जा रहे हैं. Except you and God. बस केवल आप और परमेश्वर जानते हैं. You are torn inside. आप अपने अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं. But you won't give up. लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं. Why? क्यों? Because you love your Lord. क्योंकि आप अपने प्रभु से प्रेम करते हैं. And you're telling yourself this. और आप अपने आप से यही तो कहते हैं. For me to live is Christ. और मेरे लिए तो जीना मसीह है. But to die is gain. और मरना तो मेरे लिए लाभ है. You look up at a friend and smile at her. और आप किसी सहेली की ओर देखकर निश्चय उसकी ओर मुस्कुराएं. But in your heart you are saying. लेकिन आप अपने दिल में ये कह रही हैं. Though I walk through the valley of the shadow of death. चाहे मैं मृत्यु की छाया से भरी हुई तराई में से होकर क्यों न चलूं. I will fear no evil. मैं किसी बुराई से किसी विनाश से नहीं डरूंगी. Because Jesus you are with me. क्योंकि यीशु तू मेरे साथ में है. Hallelujah. Hallelujah. God sees your tears. परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है. He knows your heart. वो आपके दिल को जानता है. What is happening? और देखिए क्या हो रहा है. Is that God is using those difficult moments? कि परमेश्वर इन मुश्किल परिस्थिति का समय का उपयोग कर रहा है. To build you up. कि आपको उभारते चले जाएं. But there are some who will look upon those moments. लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इस समय को देखते हैं. As a sign of defeat. ये तो हार के चिन्ह के रूप में वो देखते हैं. And they will close the door to that situation. और वो उस परिस्थिति के लिए द्वार बंद कर देते हैं. And they will walk away. और वो दूर चले जाते हैं. Before you do that, इसके पहले कि आप ऐसा करें, I will plead with you. मैं आपसे विनती करती हूँ. That you would ask God. कि आप परमेश्वर से मांगे. Ask the one who loves you. आप उससे मांगे जो आपसे प्रेम करता है. Who loves you more than you can love yourself. आप अपने आप से जितना प्रेम कर सकते हो उससे बढ़कर वो आपसे प्रेम करता है. Lord, show me what you want me to do. प्रभु तू मुझे बता कि मैं क्या तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ. But there is one thing I want to say. मैं एक बात बताना चाहती हूँ. If you are facing physical abuse. अगर आप शारीरिक या कहिए आप इस तरह से प्रताड़ित हो रही है आपको मारा जा रहा है. Then you should take care that you do not continue in the situation. आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा कि आप इस परिस्थिति में ऐसे हमेशा बने न रहें. Now secondly. अब दूसरी बात. Some people are almost wiped out by trials. और कुछ लोग तो ऐसे दिखाई देता है कि परीक्षाओं के कारण वो पूरी तरह से मिट गए हैं. They will go through it. वो इसमें से होकर जाते हैं. But they will allow themselves to be devastated by it. लेकिन वो खुद अनुमति देते हैं कि वो उसके द्वारा नाश किए जाएं. While there are others. जबकि ऐसे दूसरे हैं. Who are able to stand in the confidence of God's faithfulness. जो कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता के भरोसे में खड़े रहते हैं. Now the latter have an overwhelming sense of stability. और देखिए इसमें जो है बाद में ऐसा है कि स्थिरता की जो है वो ज्यादा रोमांचित करने वाली बात And they have immovable strength. और हमारे पास में अटल ऐसा बल होता है. They are able to weather storms. और वो तो पूरी तरह से तूफानों को थमा सकते हैं. They are able to hold their heads high. और वो अपने सिर को ऊंचा उठा सकते हैं. They become confident and bold. और वो तो बड़ा हियाव रखते हैं, साहसी हो जाते हैं. And they are not discouraged by any obstacle that comes along. और हमारे जीवन में आने वाले हर एक रुकावटों के ऊपर वो जयवंत होते चले जाते हैं. क्यों? Because God has taught them this in the midst of the trial. क्योंकि परमेश्वर ने सारी परीक्षाओं के बीच में उन्हें यही तो सिखाया है. They feel absolutely certain. वो तो पूरी तरह से निश्चित महसूस करते हैं. They have the faith. उनमें विश्वास होता है. That God is going to see them through the heartache. कि परमेश्वर इन सारे परेशानियों से उस पार ले जाएगा. And that He will bring them out whole and joyful. और वो उन्हें परिपूर्ण और आनंदित होकर या आनंदित बनाकर वहाँ से उस पार ले जाएगा. And mature. और परिपक्व बनाकर निकालेगा जब वो दूसरी ओर पहुंचेंगे तब. Thirdly, तीसरी बात. Adversity also shows us where we stand in our faith. और जो विपत्तियां हैं या कहिए जो विरोध होता है वो हमें दिखाता है कि हम अपने विश्वास में कहां पर खड़े हैं. Do we doubt God? क्या हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं? Or do we thank Him for His faithfulness? या हम उसकी विश्वास योग्यता के लिए उसे धन्यवाद देते हैं? During the stressful and heart-wrenching times. इस तनाव से भरे हुए और दिल को तोड़ने वाले समय के दौरान भी. Do we trust that He will never leave us or forsake us? क्या हम ये भरोसा करते हैं कि वो हमें न कभी छोड़ेगा न कभी
कभी त्यागेगा। Adversity is God's most accurate measure of our faith। और देखा जाए तो जो हमारे विरुद्ध में विपत्तियां आती हैं, हमारे विश्वास को नापने के लिए परमेश्वर का एक बहुत ही सही ऐसा मापदंड है। It reveals our endurance level। ये हमारे सहने के स्तर को दिखाता है। None of us know how much difficulty we can withstand until we are tried। जब तक कि हमारी परीक्षा न हो, हम में से कोई भी इस बात को नहीं जानता कि हम कितने हद तक मुश्किलों को सह सकते हैं। Fourthly, my dear friends, चौथी बात मेरे प्यारे दोस्तों, who are going through a bad time, जो कि बुरे समय में से होकर जा रहे हैं, remember this, आप इस बात को याद रखिए, God will not try you more than you can handle। आप जो कुछ भी सह सकते हैं उससे परे परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करेगा। This is from God's word। ये परमेश्वर के वचन से है। You can stand on it। आप इस पर खड़े रह सकते हैं। God has put a limit on your adversity। और परमेश्वर आपके विरोधी के ऊपर में एक सीमा निश्चित कर देगा। Are things going bad with your family? क्या आपके परिवार में सब कुछ बुरा होते जा रहा है? Wait upon the Lord। तो आप प्रभु की राह देखें। God will put a lid on it। परमेश्वर इसके ऊपर ढक्कन ढक देगा। He will not allow it to go out of hand। परमेश्वर इन बातों को हाथों से बाहर जाने नहीं देगा। But you must trust him। लेकिन आपको उस पर भरोसा करना है। Because you're a child of God, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। The Holy Spirit is living inside of you। पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है। And he knows how much you can bear। और वो जानता है कि आप कितना सह सकते हैं। You know, the psalmist has said, भजनकार ने इस तरह से कहा, Many are the afflictions of the righteous। धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो आती हैं। But the Lord delivers them from all of it। लेकिन परमेश्वर उन सब से उसे छुड़ा लेता है। And just as a father has compassion on his children, और जैसे पिता अपने बच्चों के ऊपर करुणा करता है, so the Lord has compassion on those who fear him, और वैसे ही परमेश्वर अपने भय मानने वालों के ऊपर करुणा करता है, for he himself knows our frame, क्योंकि वो खुद हमारे ढांचे को जानता है, he is mindful, वो तो हमारे बारे में सोचता है, that we are dust, वो जानता है कि हम मिट्टी ही हैं। God knows how much we can handle। परमेश्वर जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। He is a loving God। वो प्रेमी परमेश्वर है। So don't break your promise to him। और इसलिए आपने उससे जो प्रतिज्ञा की है, वादा किया, उसे न तोड़े। Just live in obedience। बस आप आज्ञाकारिता में जीते जाएं। You are asked to live only for that one day। आपको बस उस एक दिन के लिए जीने के लिए कहा गया है। Live day by day because God's mercies are new every morning। ऐसे एक एक दिन करके जीते चले जाए क्योंकि हर सुबह परमेश्वर की दया नई होती। God is giving this word for those who are in anguish। जो लोग चिंता में पड़े हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ये वचन दे रहा है। Don't get discouraged। आप निराश मत होइए। Just keep going on। बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। Fifthly, पांचवी बात, When we learn and mature in the midst of tremendous adversity, जब हम इन सारी विपरीत परिस्थिति के बीच में परिपक्व हो जाते हैं, सीख God लेते हैं, God is pleased। तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। Because he sees his purpose being fulfilled in us। क्योंकि वो देखता है कि उसका उद्देश्य हम में पूरा हो रहा है। Now please understand। अब आप इस बात को समझ लीजिए। God never intended to hurt you। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आपको चोट पहुंचाए। He never sent that terrible thing in your life। और उसने आपके जीवन में ये भयानक बात नहीं भेजी है। But he is with you in that situation। लेकिन इस परिस्थिति में वो आपके साथ में है। And during that time, और उस समय के दौरान, you If you are living in obedience, अगर आप आज्ञाकारिता में जीते हैं, we are growing spiritually, तो हम आत्मिकता में बढ़ते जा रहे हैं, we are becoming stronger, तो हम और बलवान होते जा रहे हैं, in areas of weakness, कमजोरियों के क्षेत्र में, and every day, और हर एक दिन, as we keep on submitting to God, जैसे हम निरंतर परमेश्वर के सामने समर्पित होते जाते हैं, we are becoming conformed to the image of Christ, तो हम मसीह की समानता में बढ़ते चले जाते हैं, what a great thing that is, ये सच में कितनी महान बात है। Can you even imagine that? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? God is thrilled when we respond positively to that adversity। जब हम इतनी सारी विरोध में, इन सारी बातों से हम सकारात्मक रूप में व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। I know it is very hard। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। But the thing is that you should trust। लेकिन बात तो यही है कि आपको भरोसा करना है। And if when you love God, you will trust Him। और जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, तो आप उस पर भरोसा करेंगे। Just keep loving Him।
आप बस उससे प्रेम करते चले जाएं। Though God does not want us to suffer, हालांकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम दुख उठाएं। He sometimes allows difficulties in our life. कई बार वो हमारे जीवन में इन मुश्किलों को आने देता है। He uses those times to teach us lessons of life which we would never have learned otherwise. कई बार वो हमें जीवन के पाठ इसे सीखने के लिए मदद करता है जो कि हम ऐसे ही नहीं सीख सकते थे। I'm going to do this very briefly. मैं इसे बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहती हूं। Because time is running out. क्योंकि समय खत्म हो रहा There are three reasons why he does that. तीन कारण हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। Firstly, सबसे पहले, adversity is God's choice tool. पर ये जो परेशानियां या कहिए संकट जो है या विपत्तियां जो है ये तो परमेश्वर का चुना हुआ ऐसा साधन है फॉर बिल्डिंग गॉडली एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर इन आवर लाइव्स कि हमारे जीवन में भक्तिपूर्ण और आत्मिक चरित्र को बनाएं। यू कैन रीड इट अप इन द सेकंड बुक ऑफ कुरिन्थियंस आप इसके बारे में दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ सकते हैं चैप्टर 1 अध्याय 1 वर्सेस 3 टू 7 वचन 3 से 7 में विद एडवर्सिटी ही Adversity is used to mold us and shape us. देखा जाए तो ये जो विपत्तियां जो होती हैं वो इसलिए होती है कि हमें आकार दे हमें एक रूप दे There is a purpose in our suffering. हमारे दुखों के पीछे एक उद्देश्य होता है Secondly, दूसरी बार Adversity comes in the areas where we think we are most confident. और जो ये जो संकट है या कहिए क्लेश जो है वो तो उस क्षेत्र में होते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम इसके बारे में पूरा भरोसा रखते हैं God wants us to be dependent on Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूरी तरह से आधारित हो एंड व्हेन वी आर सुपर कॉन्फिडेंट और जब हम बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं देयर इज अ ग्रेट डेंजर दैट वी मे स्लिप अवे तो फिर बहुत बड़ा खतरा होता है कि हम फिसल सकते हैं सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और इसलिए उस समय गॉड विल ब्रिंग अस बैक टू हिम परमेश्वर हमें अपने पास वापस लेकर आएगा थर्डली तीसरी बात गॉड्स अल्टीमेट डिजाइन इज टू कंफर्म अस टू To the life of Jesus. परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएं। And through adversity, और विपत्तियों के द्वारा God develops the fruit of the Spirit within us. परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा के फल को बढ़ाते चले जाता है You have all read Galatians chapter 5. आप सभी ने गलाती अध्याय 5 पढ़ा है The fruit of the Spirit like love, joy, peace, kindness. Goodness, etc. आपने यहाँ पर आत्मा के फल के बारे में पढ़ा है कि प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम So these are the things that God is developing within us. ये तो ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे अंदर में बढ़ाते चले जाता है And so God is actually fashioning us every day into his own likeness. और इसीलिए परमेश्वर प्रतिदिन हमें अपने स्वरूप में बदलते चले जाता है So my dear brothers and sisters, और इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों be filled with joy. आप आनंद से भर जाएं. And celebrate. और उत्सव मनाते चले जाएं. Because Jesus is there for us. क्योंकि यीशु यहाँ पर हमारे लिए है. Do not be downhearted. और इसलिए आप अपने दिल में हौसला मत छोड़िए Trust the Lord always. और हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखिए. And always have a loving relationship with Him. और हमेशा उसके साथ में प्रेमपूर्ण संबंध रखिए. And God will help you to stand. और परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप खड़े रहें. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं. Father God, we just want to thank you so much. पिता परमेश्वर हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं. That you have been teaching us. कि आप हमें ये सिखा रहे हैं. That we ought to stand. Where there is adversity. कि जहाँ पर भी विरोध हो या क्लेश हो वहाँ पर हमें डट कर खड़े रहना है We must not walk away from it. हमें उससे दूर नहीं जाना है Find an easier way out. हमें बिल्कुल आसानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढना है. In the midst of that adversity, we must obey you. लेकिन प्रभु उस सारे विरोध के बीच में हमें तेरी आज्ञा माननी है And allow you और तुझे अनुमति देनी है to carry us through that situation. कि हमें इन सारी परिस्थितियों में से तो हमें लेकर चले We pray you would bless each one of our viewers. हमारी प्रार्थना है तो हम में से हर एक दर्शकों को आशीष दे Strengthen them to follow you. और प्रभु इन्हें बल दे कि ये तेरे पीछे चलने वाले हो Strengthen them to love you. इन्हें बल दे प्रभु कि ये तुझसे प्रेम करें Strengthen them to believe in you. और प्रभु इन्हें बल दे कि ये तुझ पर विश्वास करें In Jesus name. यीशु के नाम में Amen. Amen.